हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने यहाँ तक आपको सारे नोट्स दे दिए थे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन हेनरी फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जो है हेनरी फेयर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और जो एफ डब्ल्यू टेलर इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स करेंगे। इसके पहले बता दूं क्लास 12th के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे पीडीएफ पूरे 12 के 12 यूनिट्स में आपको भेज दूंगा एट वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले देखिए हेनरी फेयर की। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है, ही लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और दूसरा जो है ही लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ सुपरवाइजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। नंबर टू जो है एप्लीकेबिलिटी। फेयर्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि पूरे दुनिया में अप्लाई किया जा सकता है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल में ही इसको किया जा सकता है। नंबर थ्री देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, ही एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ कमांड सो दैट ईच वर्कर गेट्स ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिले सबको। और यहाँ पे देखिए ही रिकमेंडेड फंक्शनल फोरमैनशिप व्हिच वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, चौथा देखिए मेजर आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, फेलियर फेयर्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताया था पहले वीडियो में मैंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपने नहीं लिखा है तो जरूर जाके वो वीडियो देखिए। सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे एकदम डिटेल और ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं टेलर की। तो टेलर्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे नोट्स दिखे थे। तो जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वगैरह वगैरह, ये देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारे मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं ऑलरेडी। आप जाके पहले वीडियो जरूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, ठीक है, एनबी नोट्स हेल्प करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। लास्ट देखिए एक्सप्रेशन, फेयर पुट हिज आइडियाज थ्रू जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है कि बेसिक जो जनरल थ्योरी होता है उसके अंडर में यहाँ पे टेलर पुट हिज आइडियाज थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते आंसर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिजम्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जी हाँ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जैसे यहाँ पे बाकी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाते किसी वीडियो से आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।